पुत्र द्वारा पति को पीटता देख बचाने आई दिव्यांग वृद्ध पत्नी के ऊपर पुत्र ने लोहे की बाल्टी से सिर में प्रहार कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जब पति को पत्नी की हत्या की सूचना मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुत्र से भयभीत पिता ने घटना की सूचना गराठा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आंगन में पड़े महिला के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मऊरानीपुर भेज दिया है। गराठा थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुरा निवासी गणेशी लाल सोनकिया ने बताया कि उसका पुत्र राहुल उम्र 25 वर्ष नशे का आदि था, जिससे वह आए दिन घर में झगड़ा करता था, जिससे परेशान होकर उसके पिता ने 3 माह पूर्व नशा मुक्ति केंद्र ग्वालियर में छोड़ाया था। 2 दिन पूर्व वो अचानक घर आ गया। घर आते ही उसने अपने पिता गणेशी लाल के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। बुधवार को दोपहर में राहुल अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर मारपीट कर रहा था। पति को पिटता देख दिव्यांग पत्नी अवध कुमारी उम्र 55 वर्ष पति को बचाने के लिए आई तो पुत्र ने पिता को छोड़कर आंगन में रखी लोहे की बाल्टी उठाकर उसने अपनी माँ के सिर पर प्रहार कर दिया। घटना को देखकर पति डर कर घर से भाग गया। दोनों पैरों से दिव्यांग होने की वजह से मौके पर से भाग भी न सकी तथा उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस आरोपी पुत्र की तलाश में जुट गई है। सर, थाना गरौठा का क्या मामला है? थाना गरौठा में कल शाम को पुलिस को जानकारी मिली कि एक लड़के ने अपने माँ को धक्का दे दिया, जिससे बाल्टी से चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने प्राथमिक जांच में ये पाया कि रामपुरवा गांव में अवध कुमारी और उसके पति ने, ये लड़का चूंकि नशेड़ी किस्म का था तो इसे नशा मुक्ति केंद्र ओरछा में सितंबर में भेजा था, तो वहां से ये भागकर 8/1/2024 को आ गया था और उसको इस बात का गुस्सा थी कि उसके पिता ने उसे नशा मुक्ति केंद्र क्यों भेजा। इस बात को लेकर वो अपने पिता को मारपीट करने लगा था, जिस कारण से माँ बचाने आई तो उसको धक्का दे दिया, जिससे बाल्टी से चोट लगने के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा इसमें शव को कब्जे में ले लिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है।